हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और सब लोग कब से वेट कर रहे थे साइंस के गाला पेपर 5 के लिए, तो मैं आप सबके लिए आज लेके आया हूँ साइंस का गाला पेपर 5। और जल्द से जल्द साइंस का गाला पेपर 6 भी आ जाएगा। बस एक ही काम है गाला पेपर 6 लाने के लिए, जैसे 5, 3, 4, 2, 3, 4 के अंदर कंडीशन, वो स्टार मार्क बोलते ना, कंडीशन अप्लाई, दैट इज द सेम कंडीशन हियर अप्लाई। और किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, यू कैन गो, देखो बहुत सारी जगह होता है कंफ्यूजन हो सकती है, तो यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन लिंक, वहां पे मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इवन टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स दिए हुए हैं। यू कैन ज्वाइन देयर, यू कैन आस्क ओवर देयर, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलो सपोज मैं ऑनलाइन हूं तो मैं बता दूंगा, अगर कोई है तो वो बता देंगे, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन ओवर देयर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 5 पे, सीधी सी बात, 200 लाइक्स पहुंचा दीजिए जल्द से जल्द, ताकि हम लोग नया वीडियो फटाफट अपलोड कर दे। उसके बाद ये चीज तो ठीक है, इस ये वाला हो जाएगा गाला पेपर के सारे पेपर होने के बाद आपको क्या चाहिए वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ आपको गाला पेपर 5 के बाद क्या चाहिए, ताकि मैं आपको दे सकूं वो चीज जो भी है मेरे पास अगर अवेलेबल होगी। ठीक है, सॉल्यूशन की बात है, हाँ फिर आप ऐसा ना हो कि ये कर दो वो कर दो, देखो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश है कि जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए 24 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। व्हाट इज यूज्ड इन ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, AGBR, आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड जैसे पढ़ा होगा, सिल्वर क्लोराइड सॉरी, दैट इज तो सिल्वर ब्रोमाइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH। व्हाट इज, इन व्हाट डज प्रोटीन गेट कन्वर्टेड एट द एंड ऑफ डाइजेशन, तो अमीनो एसिड्स। What is the main component CNG? तो methane gas. What is the absolute refractive index of any medium? किसी भी medium का absolute refractive index क्या हो सकता है? तो greater than 1. क्योंकि 1 हम लोग vacuum का consider करते हैं. Vacuum के बाद सबका greater than 1 हो सकता है. What is the time difference between real sunset and apparent sunset? तो 2 minutes. दोनों के बीच में 2 minute का difference होता है. Next. There are dash covalents bond in C2H6. तो total 7 covalent bonds होते हैं. देखो कैसे, तो मैं बता दूं, सी सी तो ये H, यहां पे सब जगह H कनेक्टेड होंगे, तो H, ये H नहीं है, ये जस्ट मैंने बना दिया है, तो दिस इज H H H H H, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड, सो हियर आंसर इज 7। ठीक है, वैलेंसी इन मैग्नीशियम 2, 12 होता है, तो 282। डैश इज ऑब्टेन बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट सी O2 होता है, क्योंकि CO2 यूज किया जाता है, तो बाय प्रोडक्ट जो होगा O2 होगा उसका। ओवरी इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म सेल इन डैश फेलोपियन ट्यूब, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, द एटम ऑफ डैश इज प्रोड्यूसेस द न्यूक्लियर एनर्जी ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन ऑफ द एटम, दैट इज यूरेनियम। देन ट्रू और फॉल्स, सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, तो ट्रू। ठीक है, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन, फॉल्स, क्योंकि एनालोगस होता है, क्योंकि उनके सेम एंसेस्टर नहीं हो सकते, पता नहीं लगता है। सो केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन वाटर, ट्रू, भाई वाटर से ज्यादा डेंसर होता है केरोसिन, ऑब्वियसली बात है, केरोसिन का 1.44 होता है और वाटर का 1.33, सो वी कैन से केरोसिन इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। वुड, वुड इज फॉसाइल फ्यूल, फॉल्स, भाई वुड फॉसाइल फ्यूल नहीं होता। ठीक है, विच इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय पोन्स, पोन्स जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, एक तो हम लोग बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शन में ब्लड प्रेशर आ जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, फिर उसके अंदर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यू कैन राइट दिस थिंग्स। व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा, ट्रांसफर्ड जेनेटिकली फ्रॉम, क्या बोल सकते हैं हम लोग, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन यू कैन से। ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो दैट इज हेरिडिटी। सो स्टेट टू डिफरेंट एक्सप्रेशन अबाउट कलर ऑफ द सीड, देखो वैसे हायर लेवल में जाए तो सीड का कोट और सीड पोड दो चीज होती है, पोड एंड कोट, बट हम लोग अभी की बात करें तो कलर ऑफ सीड्स के लिए हम लोग जो लेते हैं, मेंडेलीव ने जो लिया था,
ग्रीन सीड्स एंड येलो सीड्स, ठीक है, जिसके अंदर अगर डोमिनेंट पूछा जाए तो येलो सीड वॉज द डोमिनेंट, वन मार्क के अंदर इतना काफी है, येलो सीड वॉज डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट कौन सा है तो येलो सीड इज द डोमिनेंट. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. तो we can say battery, battery बोल सकते हो, power supply बोल सकते हो, जो conductor के across हम लोग maintain करते हैं. Give them names of instrument based on solar energy. तो solar energy के base पे solar cooker. हाँ भाई cooker में double हो बहुत ज्यादा हो गया. Solar cooker, solar cooker ले लो, solar cell ले लो, ठीक है, फिर solar water heater ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट आप ले सकते हो, ठीक है. देन वॉट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कैन डिग्रेड ऑटोमेटिकली, सब्सटेंस विच डिकम्पोजेस, विच डिकम्पोजेस पोजेस नेचुरली इन नेचर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, आर कॉल्ड यहाँ पे लिख देता हूं, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, आर कॉल्ड, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. व्हाट इज द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, देखो बायोडायवर्सिटी का कंजर्व करने का तरीका मेन क्या है. बहुत सारे जन ने बोला था भाई ये सर आपकी हैंडराइटिंग का थोड़ा सा गड़बड़ी रहती है, तो हैंडराइटिंग यार अभी जल्दबाजी में लिखते हैं, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप कर दिया है. एक तो टू प्रिजर्व द डायवर्सिटी ऑफ स्पीसीज, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस. इसमें से आप कोई भी दो प्रोसेस लिख दीजिए, दो मेन एम ऑफ कंजर्वेशन, तो भाई स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल, भाई क्या बोलते हैं इकोसिस्टम को, और स्पीसीज को यूटिलाइज करना, प्रॉपरली मेंटेन करना, उसके लिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी. मेज द पेयर फोर ब्रेन, फोर ब्रेन क्या करता है तो हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो प्रेजेंट, और हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स होता है, स्पाइनल कोर्ड तो आपके पीछे पता ही है बैकबोन, सो वी कैन से हिंड ब्रेन में पोन्स और फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो राइट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोल सकते हैं दोनों के दोनों एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर आयंस बोल सकते हैं डिसोसिएट करते हैं. अब आयंस चाहे पहले देखो एसिड जो है एच प्लस आयन डिसोसिएट करता है और बेस ओएच माइनस, लेकिन दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि बोथ एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वेस सॉल्यूशन ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ आयनाइजेशन, या फिर आयंस को डिसोसिएट करते हैं. बोथ रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल. सो एसिड विद मेटल गिव्स, ये हो गया जिंक प्लस 2HCl यानी जिंक क्लोराइड प्लस H2, ठीक है, और बेस विद मेटल तो 2NaOH प्लस Zn गिव्स H2 प्लस Na2ZnO2. ये जिंकेट बोल सकते हैं, सोडियम जिंकेट बोला जाता है, सॉल्ट है एक तरह का मेटल सॉल्ट, ठीक है. सो ये इस तरह का एक रिएक्शन होते हैं, दोनों रिएक्शन के साथ आप लिखते हो तो 2 मार्क्स का. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिएक्शन आप लिख दो तो आपका हो सकता है प्रॉपर वे में आंसर बैठ जाए. नेक्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स विच कैन बी कट इजिली विथ नाइफ. तो पोटेशियम एंड सोडियम, मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दे बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आप इसमें सिल्वर और कॉपर भी कर सकते हो, भाई बहुत सारे आते हैं, सिल्वर कॉपर भी लिख सकते हो, सिल्वर एंड गोल्ड भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. गिव 4 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द आउटलाइन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. तो दिस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटमिक नंबर, देर आर टोटल 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. Elements are arranged based on increasing order of their atomic numbers. Isotopes are kept in the same place due to their atomic numbers being the same. फिर उसके बाद आप बोल सकते हो hydrogen got the proper place. Hydrogen got proper place. ठीक है, according to उसके atomic number. फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो कितने numbers आएंगे, elements आएंगे, confusion था, वो confusion भी दूर हो गया. So these are the points. By 2 marks में 4 points enough होते हैं, तो आप कोई भी 4 points लिख सकते हो, कोई problem नहीं है. Give 2 points of difference, group of modern periodic table and periods of modern periodic table. By group or periods में, तो first of all, there are total 18 groups, there are total 7 periods. Atomic size increases from top to down, atomic size decreases from left to right, मतलब periods में atomic size left to right decrease होते हैं. Valency remains same from top to bottom, valency increases from left to right.
metallic property increases from top to bottom, metallic property decreases from left to right. तो ये चार properties लिख देते हो, वैसे भी 2 marks का है, तो आपका answer correct हो जाता है. Next, variation is beneficial to the species but not necessary for individual wife. देखो अगर variations आ रहे हैं, changes आ रहे हैं, देखो हम लोग भी, आप मानते हो कि हम लोग ऐप में से बन के आए, मंकीज हमारे पुराने जमाने के वो थे, मतलब हम लोग एंसेस्टर बोल सकते हैं. सो वो हमने चेंजेस अडॉप्ट करते गए, तो वो स्पीसीज के लिए, हमारी जो स्पीसीज है, जैसे हम ह्यूमन काइंड, अगर हम नए नए एनवायरमेंट चेंज होते जाता है और हम उसको अडॉप्ट कर लेते, तो वो स्पीसीज के लिए अच्छा है, ताकि वो स्पीसीज लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स तक वो प्रॉपरली बनी रहेगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी. लेकिन इंडिविजुअल अगर मैं हूं, मैं उसको एक्सचेंज नहीं करता हूं, उस वेरिएशंस को अडॉप्ट नहीं कर पाता, तो मैं नहीं रह पाऊंगा. तो इंडिविजुअल को कोई हेल्पफुल नहीं है, बट स्पीसीज को रहता है. सो हियर स्पीसीज ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड स्पेस इन द इकोसिस्टम बाय इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन थ्रू द रिप्रोडक्शन. द चेंजेस सच एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर मे कॉज अ थ्रेट ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. इफ द स्पीसीज हैव वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, सम ऑफ द वेरिएंट्स माइट बी एबल टू कोप विद द चेंज, दस हैविंग सर्वाइवल एडवांटेजेस. Thus, these variants will survive, leaving behind the individual in the population with no desirable variation. Thus, these variants help in the survival of species, but not all variations are beneficial for individual organism. Yani, har individual ke liye beneficial ho na ho, species ke liye variations bahut helpful hote hain. What is acquired characteristics? Give example of acquired. The characteristics which we gain from the environmental or physical condition. Bhai, humare aaju baju ke. Jaise agar main padha raha hu, मैंने टीचिंग स्किल्स, तो दैट इज माय एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी जनरेशन टू जनरेशन ये पास हो. जनरेशन टू जनरेशन अगर पास होती है, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. लेकिन जो जनरल जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होती, जीन्स में कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एक्वायर्ड ट्रेट्स दैट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच एन इंडिविजुअल डेवलप ड्यू टू एनवायरमेंट और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, दे डाई विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल. बॉडी मसल्स, नॉलेज एक्सेट्रा, कोई भी एक सिंपल हमने ले लिया, ठीक है. डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है. राइट फॉर्मूला, तो इफ वर्क डन इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यू इज द चार्ज, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दैट इज वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. राइट इट्स एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट होता है वोल्टेज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, वोल्टेज. वी कैन से अ पोटेंशियल ऑफ 1 volt अपीयर्स अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm व्हेन अ करंट ऑफ 1 ampere फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस. यानी अगर 1 ohm, क्या बोल सकते हैं ना, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm व्हेन अ करंट ऑफ 1 ampere फ्लोज थ्रू दैट रेजिस्टेंस, वी इक्वल्स टू आई आर वाला भी एक फॉर्मुला होता है, तो वी कैन गो विद दिस ऑल्सो. वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू अगर हम लोग देते हैं, तो उसके हिसाब से वोल्ट को डिफाइन करें, तो 1 joule ऑफ एनर्जी, when 1 joule of energy required to bring 1 coulomb charge from one place to another. तो वो चीज भी आप maintain कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज definition लिख सकते हो. Next, what is schematic diagram of electric circuit? तो electric circuit का schematic diagram ये रहा, simple सा schematic diagram, जिसमें क्या बोला, draw a label diagram of an electric circuit comprising of electric battery, bulb, ammeter, plug and key and कन्वेंशनल करंट. तो ये पूरा शो कर दिया, ये डायग्राम बनाना होगा आपको इसके अंदर. और स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट इन द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन. उसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट बोल सकते हो, ग्राफिकल इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन रिप्रेजेंट. ग्राफिकल छोड़ दो, ग्राफिकल बहुत अलग हो जाएगा. सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विद इट्स कंपोनेंट, आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो, कि एक्चुअल नहीं बता रहे बट सिंबॉलिकली हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये बल्ब की वगैरह सब कुछ है. What will be the effect on a current carrying small conductor rod AB when placed in a magnetic field in the following cases? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द रोड AB इज इंक्रीज्ड. अगर करंट पास होता है, ये शायद मैंने लिखा नहीं है, देखो. If what will be the effect of current carrying small conductor rod AB when placed in magnetic field in the following cases? If electric current increases, electric current अगर increase हो रहा है, ठीक है, electric, मैं proper way में लिख देता हूँ, मैंने शायद इसका answer नहीं लिखा है, but if electric current increases, there is increase in, then increase in magnetic field, increase in magnetic field increase होगा फर्स्ट केस में,
increase in magnetic field. Second, अगर length of the road AB is increased, भाई magnetic field के हिसाब से अगर length road की length में बढ़ाते जाऊं तो magnetic field क्या होगा according to length, length जितनी ज्यादा होती जाएगी देखो current उसके through pass on हो रहा है, अब करंट जितना भाई पास ऑन होने के लिए अब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बढ़ रहा है तो करंट रुका जाएगा. सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज एज द लेंथ इंक्रीजेस, एज द लेंथ ऑफ द रोड इंक्रीजेस. ठीक है, ये रफली मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा. खाली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वॉज दैट कि भाई आप अगर क्या बोलते हैं ना, द लेंथ ऑफ द रोड ए बी इज इंक्रीज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड विल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज एज पर दी, भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है डिक्रीज होगा अगर लेंथ ऑफ रोड इंक्रीज होता है तो. ठीक है, चलिए. How is the waste generated at home disposed? जो हमारे घर पे waste generate होता है उसको dispose कैसे करते हैं? तो mainly जो देखा जाए, वैसे तो पता है कि जो भी waste material आता है उसको manure बना दो, kitchen waste specially बोलता हूँ, तो वो डाल देते हैं फिर उसके ऊपर layer कर दो soil की layer, तो kitchen waste वो बोल सकते हैं. So दो तरीके हैं, land filling बोल सकते हैं, composting. Land filling मतलब जो भी waste material है उसको एक low land पे लेके जाते हैं और वापस मतलब बिछा देते हैं और उसके ऊपर soil, that is putting a layer of soil on it. और कंपोस्टिंग, ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिकम्पोज विद टाइम, फूड स्क्रेप्स एंड यार्ड वेस्ट एक्सेट्रा मेक अप फॉर वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक वेस्ट वी थ्रो एवरी डे. द प्रोसेस ऑफ द कंपोस्टिंग स्टार्ट्स विद दिस ऑर्गेनिक वेस्ट बीइंग बरीड अंडर लेयर्स ऑफ सॉइल एंड दे आर लेफ्ट टू डिके अंडर द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म सच बैक्टीरिया एंड फंगी. मतलब कंपोस्ट बनाया दिया जाता है ताकि वो मैन्योर के तौर पर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. व्हाई शुड वी यूज कोल एंड पेट्रोलियम जुडिशियसली, भाई कोल और पेट्रोलियम को जुडिशियसली अच्छे से यूज क्यों करना चाहिए. देखो एक तो पेट्रोलियम है 40 साल में खत्म हो जाएगा, कोल जो है 200 इयर्स में खत्म हो जाएगा और वो इनएग्जॉस्टिबल है. कोल एंड पेट्रोलियम वर फाउंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास, दिस आर एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. व्हेन द फॉसिल फ्यूल इज बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड वाटर आर फॉर्म. इफ कंबशन टेक्स प्लेस इन इनसफिशियंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म in place of carbon dioxide, these are also poisonous. Our known petroleum will last for about 40 years and coal resources will last for another 200 years. So, ye sab reason ki wajah se hume unko judiciously use karna chahiye. Suggest four approaches towards conservation of forest. Conservation of forest ke liye, control deforestation, har ek ko nahi, dam sirf kaatte jao, bhai bacha ke rakho, bhai logon ne chipko andolan wagera chalaye the, ki bhai ped ko na kaato. Protect against forest fire, afforestation, soil erosion has to be stopped. ये चार पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि भाई फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, तो इस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं. सेक्शन सी, भाई 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन. Why is balancing of chemical equation essential? State the importance of balanced chemical equation. भाई balancing क्यों करनी चाहिए? तो first of all, balancing इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो law of conservation of mass था उसके अकॉर्डिंग भाई reactant side के मास और प्रोडक्ट साइड का मास दोनों इक्वल होना चाहिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मास इक्वल होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस द स्केलेटल केमिकल रिएक्शन. इसीलिए हमें उसको बैलेंस करना जरूरी है. तो इंपॉर्टेंस क्या है, मास ऑन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ एटम डज नॉट चेंज ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स, दैट इज रिमेन सेम बोथ साइड. इट आल्सो मेंटेन इक्वलिटी ऑफ मोल्स, दोनों साइड में उनके मोल्स की इक्वलिटी भी बनी रहती है. यह आप एक्सप्लेन लिख सकते हो अपने वर्ड्स में. डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर. ये आपको पता ही होगा कि जो प्योर मेटल है उसको हम लोग कैथोड पे लगाते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड पे लगाते हैं, उसके अंदर एसिड भाई जो भी है हम लोग सल्फ्रिक एसिड वगैरह है जो पूरा सॉल्यूशन बोल सकते हैं कॉपर का सल्फेट का, ताकि कॉपर सल्फेट डाला जाता है वैसे उसके अंदर थोड़ा सा एसिडिफाइड करके, और उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो इम्प्योर मेटल इम्प्योर वाली प्लेट है वहां से प्योर प्लेट मिक्स हो जाता है इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर सल्फेट से सारा का सारा मेटल आ जाता है इस प्लेट के ऊपर कॉपर, तो प्योर
और जो इम्प्यूरिटीज है वो एनोड मर्ड के तौर पे यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। ये मैंने फिगर बना दिया, इस तरह से फिगर आप देख सकते हो, और टोटल डिटेल में आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, इम्प्योर मेटल इज मेड एज एनोड एंड प्योर मेटल इज मेड एज कैथोड। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड प्योर मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। एट एनोड ये रिएक्शन होता है और एट कैथोड ये वाली रिएक्शन, भाई कॉपर जो है दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और कॉपर प्योर कॉपर जो बोल सकते हैं वो सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाता है और सल्फेट सॉल्यूशन के साथ वाला जो है वो कॉपर बनकर वहां पे एड अप हो जाता है प्योर कॉपर। द सॉल्युबल इंप्यूरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज सेटल डाउन एट बॉटम ऑफ एन एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। तो ये एक प्रोसेस है पूरा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। चलिए, गिव साइंटिफिक रीजन प्लेटिनियम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो देखो ये क्यों यूज किया जाता है, दे आर हाईली लस्ट्रस, दे रेजिस्टेंट टू कोरोजन, वे कोरोड नहीं होते हैं, तो वो बोल सकते हैं अनरिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स है ये सारे, तो ये लेस रिएक्टिव है तो कोरोजन नहीं होता है, लस्ट्रस होते हैं, हाईली हाईली मेलियबल एंड डक्टाइल, सो कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनी शेप और डिजाइन। भाई गहने पे या ज्वेलरीज पे कितनी बारीक बारीक डिजाइन होती है, वो इनकी वजह से, क्योंकि वो इजिली मेलियबल और डक्टाइल है। द मेन रीजन इज दैट गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन और अदर नॉन मेटल्स, दे डू नॉट टर्निश रेडिली, मतलब काले नहीं पड़ जाते, इसीलिए। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, रस्ट, रेंसिडिटी इन फूड, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन मैग्नीशियम रिबन, लेयर ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स ऑफ कॉपर, ये सारे के सारे कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, द ब्लैक डिपॉजिट ऑफ लेयर ऑन टर्निश, भाई सिल्वर लेयर पे सब टर्निश हो जाते हैं, ये सारे। एक्सप्लेन डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय हार्मोनल इंबैलेंस इन ह्यूमन में, हार्मोन इंबैलेंस मतलब अगर कम हार्मोन रिलीज हुआ तो क्या, एक्सेस हार्मोन रिलीज हुआ तो क्या, तो जैसे कि सपोज ग्रोथ हार्मोन है, ड्वार्फिज्म, जायंटिज्म, गोइटर, डायबिटीज, ऐसे मैंने फोर एग्जांपल्स लिए हैं, आपको दो चार और अगर लर्न हो सकते हैं कोई भी आपको रिलेटेड तो यू कैन गो विद इट। अगर ड्वार्फिज्म है, ड्वार्फिज्म को एक्सप्लेन कर दिया, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर कम है, कम ग्रोथ हार्मोन हो रहे हैं तो बोन है, ड्वार्फिज्म मतलब टिंगूजी, और अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं तो जायंटिज्म मतलब लार्ज टोल, बड़े बड़े लंबे लोग, गोइटर जो आयोडीन की कमी से होता है, तो वो आयोडीन पता है हमको, आपके नमक में आयोडीन है क्या, नमक में आयोडीन नहीं है तो भी आयोडीन खाओ तो गोइटर नहीं होगा। थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है थायरोइड लेवल, थायरोइड ग्लैंड्स के अंदर, तो थायरोक्सिन हार्मोन वो रिस्पॉन्सिबल होता है आयोडीन को सिंथेसाइज करने के लिए, अगर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा तो गोइटर जो नेक स्वेलन हो जाती है। डायबिटीज इंसुलिन की वजह से, अगर आपके अंदर इंसुलिन एक्सेस अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में, एक्सेस नहीं बोलूंगा, प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है तो आपका शुगर जो है हाई हो जाएगा, और आप जानते हो, और अगर इंसुलिन ज्यादा रिलीज हुआ तो शुगर लो हो जाएगा, सो दोनों पे हार्मोन इंबैलेंस बनते हैं और ये सारी बीमारी होती है। यू कैन राइट इट डाउन। एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स एंड टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन बेसिस, भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का मैं डायग्राम भूल गया शायद, यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम आपके सामने रखेगा। Stamen, these are the male reproductive part. Mainly, many stamens are collectively known as androecium. They are structurally divided into two parts, filament and anthers. The part that is long and slender and attached to the anther, to the flower, it is the head of the stamen and is responsible for producing pollen, which is transferred to pistil or female part of the same or another flower by bringing about fertilization. Then pistil, yeah, this is forms a female part. A collection of pistil is called gynoecium, gynoecium बोलते हैं, और इसके अंदर androecium, ये याद रखना, ठीक है। Pistil consists of four parts, style is a long slender stalk that holds the stigma, ठीक है, style ऐसे एकदम से बना हुआ रहता है, मैं flower का diagram नहीं बताया, but ठीक है। Once the pollen reaches the stigma, the style starts to become hollow and forms a tube called pollen tube, which takes the pollen to the ovaries, enable fertilization. Then stigma, this is found as the tip of the style, it forms the head of the pistil. This stigma contains a sticky substance whose job is to cage pollen, और pollen को लेने के बाद वो pollination बोल सकते हो, fertilization start कर। Ovary, they form the base of the pistil, the ovary holds the ovules. Ovules, these are the egg cells of the flower, they contain in the ovary in the event of flowerable pollination. मतलब pollination जब होता है तब ये ovary ovules जो है pollen grains को लेके fertilization start करके उसको fruit में convert करते हैं।
टाइप्स ऑफ फ्लावर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, अगर सिंगल सेक्स है सपोज मेल गेमेट या फिर सिर्फ फीमेल गेमेट है एक फ्लावर में, इट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल, और अगर मेल एंड फीमेल बोथ गेमेट्स आर प्रेजेंट देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टिल द चाइल्ड बर्थ. भाई देखो आपको पता है फीमेल के अंदर नॉर्मली एग सेल हर मंथ रिलीज होता है, हर मंथ रिलीज होता है और यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है. तो हियर इट इज, व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन, द स्टेज ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इन विच एन एम्ब्रियो पासेस टू द यूटेरस वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड ह्यूमन एम्ब्रियो रिसीव्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ग्रोन फ्रॉम द मदर्स बॉडी. ठीक है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस, एवरी 28 डेज फीमेल ओवरी रिलीजेस वन मैच्योर एग. दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. After ovulation, fertilization process starts as the egg moves through the fallopian tube and can stay in the about 24 hours. During sex, a male sperm cells travel through the female reproductive tract. The fertilization process starts at egg moves through the fallopian tube and can stay in reproductive tract and try to merge with the egg within fallopian tube's proximity. Fallopian tube mein ho jata hai. Once sperm cell fuses with the egg cell, the conception process starts. After the conception, the sperm fertilizes an egg which is called fertilization. During this stage, a single cell zygote created by merging both egg and sperm cells. Phir zygote jo hai divide karta hai number of cells ke andar aur wo form hota hai embryo. Theek hai? 7 days ke andar reaches uterus and zygote turns a ball of cells called embryo. After reaching uterus, the embryo remains in the uterus and turns to foetus. Foetus grows by getting the nutrition from mother through the placenta. And finally, childbirth takes place after 9 months. यहाँ पे आप mention कर सकते हो. This is the whole process कि कैसे childbirth होता है from embryo to the childbirth. Explain new Cartesian convention for spherical lenses. भाई ये आपको already पता होगा कि भाई spherical lenses की बात है. मतलब भले mirror बनाया लेकिन it is the same for lens. हाँ आप लोग lens बना देना. So अगर right side में कोई है तो वो सारे के सारे positive होंगे. जैसे हम लोग x एक्सिस y एक्सिस पे लेते हैं वैसा के वैसे सेम कंडीशन है. राइट साइड पे कोई है तो प्लस, लेफ्ट साइड से कोई डिस्टेंस ले रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ कोई ले रहे हो तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई ले रहे हो तो नेगेटिव. लेकिन उसको लिखना इस तरह से आपको समझने के लिए इजी है, बट व्हेन इट इज आस्क्ड यू शुड राइट लाइक दिस. लिखना प्रॉपर वे में है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दिस और आपके टेक्स्ट बुक में भी है तो इतना कोई टफ नहीं है. यू कैन गो थ्रू दैट. व्हाट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर. ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम. कंसीडर अ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम वन टू मीडियम टू. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू v2. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज n21 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. देखो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, अगर मीडियम वन के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं तो उसको भाई इज्जत दो, ऊपर बिठा दो. वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम वन की इज्जत देना है, उसको ऊपर बिठाना है. और आप भाई टू जो है वन को इज्जत कर रहा है तो उसका स्वागत करने के लिए पहले टू आता है फिर स्वागत करेगा उसका वन का. सो दैट्स व्हाई n21 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2. सिमिलरली रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, तो मीडियम टू को रिस्पेक्ट देना है भाई तो वेलोसिटी को ऊपर बिठाएंगे और पहले स्वागत के लिए वन पहुंचेगा तो टू का स्वागत होगा तो पहले पहुंचाते हैं. देन एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जब मीडियम वन वैक्यूम हो जाता है और एयर, then refractive index of medium 2 is considered respect to vacuum and is also known as refractive, absolute refractive index या फिर simple refractive index. Absolute refractive index में क्या हो जाता है, vacuum के consideration हो जाता है, vacuum या air से. तो speed of vacuum और light में अगर speed देखें तो 3×10⁸ meter per second और नीचे medium के अंदर जो speed है so उसके according उसको absolute. और relative refractive index मतलब किसी और के साथ relate करना. suppose medium 1 और medium 2 को हम लोग relate कर रहे हैं तो इट इज नोन एज रिफ्रेक्टिव, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. जैसे कि हमने इससे पहले देखा था n12 इक्वल्स टू v2 अपॉन v1, सो वी कैन से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको पता है h इक्वल्स टू i²RT. ठीक है, i²RT होता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं तो वो सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बना दो, अगर एक्सप्लेन कर ही रहे हैं राइट लिखा है लेकिन हम एक्सप्लेन करें. कंसीडर द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी वी, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग द व्हिच चार्ज क्यू चेंजेस, द वर्क डन इज मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल्स टू वी क्यू, एंड द पावर इनपुट ऑफ द सर्किट बाय द सोर्स इज पी इक्वल्स टू वी क्यू.
क्यू बाई टी, क्योंकि पी इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है, आपको पता है, क्योंकि क्यू बाई टी, आई इज क्यू बाई टी, ठीक है. सो वी आई पी इक्वल्स टू वी आई. एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी इक्वल्स टू पी इन टू टी, राइट, पर्टिकुलर टाइम तक, तो पी इक्वल्स टू वी आई टी हो जाएगा, तो एनर्जी इक्वल्स टू वी आई टी हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आई है, ये आई कैपिटल लिख देना, मैंने छोटा लिखा बट वी आई टी, ताकि शो हो जाए भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई हुई. तो पावर तो हमको मिल गया, कितने टाइम पीरियड के लिए हुआ तो वो एनर्जी हो जाएगा. लेकिन जो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी के तौर पर डेसिपेटेड अगर हो रही है, तो एच इक्वल टू वी आई टी, और वी क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, तो आई आर रखते हैं, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फ्रॉम ओम्स लॉ, एंड दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अगर आप सेंटेंस में लिखते हो तो व्हेन एन हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड, मींस व्हेन अ सर्किट कैरिंग करंट आई एंड रेजिस्टेंस आर थ्रू फॉर टाइम पीरियड टी, देन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और डिसिपेटेड, दैट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. और इसके अगर फैक्टर्स हैं तो इट इज डिपेंडेंट ऑन करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम. द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टेड और हीट प्रोड्यूस पे, तो करंट, रेजिस्टेंस एंड. चलिए, दिस वॉज सेक्शन सी. नाउ सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएच स्केल. पीएच स्केल पे शॉर्ट नोट लिखना है तो पीएच बना दो, पीएच स्केल बना दो. आपको आपको वैसे तो पता ही है, 7 से नीचे एसिड, 7 से ऊपर बेस, और 7 है तो सॉल्ट, न्यूट्रल. दैट इज स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल. द पी इच इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर. On pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14, very alkaline. Higher the hydronium ion concentration, अगर ज्यादा hydrogen ion के concentration है तो pH की value low होगी. The pH at neutral is solution is 7. Value less than 7 on pH scale represent acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represent increase in OH ion. तो ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali, मतलब base. जनरली पेपर इंप्रिगनेंट विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच. लिटमस पेपर बोलते हैं उसको हम लोग, लिटमस पेपर, जिसके ऊपर मतलब सब यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला जाता है ताकि वो कलर चेंज हो. सो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल. पीएच देखो, पीएच सॉइल का जो पीएच है 6 to 7 होना चाहिए, क्योंकि वो हेल्दी रहता है, प्रॉपर प्लांट ग्रो हो सकता है. वो सब अपने वर्ड्स में और 2-4 सेंटेंस आप यूज कर सकते हो कि भाई हाँ, प्रॉपर हेल्दी प्लांट ग्रो करने के लिए पीएच 6 to 7 होना चाहिए. अगर 6 to 7 नहीं होता है, एसिडिक होता है, तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. इफ द सॉइल बिकम्स मोर एसिडिक और मोर बेसिक, इट टेक्स डिफिकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो. ठीक है, एक्सप्लेन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद इक्वेशन. तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट प्रोड्यूसेस रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एग्जांपल 2HCl plus Zn gives ZnCl2 and hydrogen gas. यानी एक example आपको देना है भाई, लिखा हुआ है with equation. Equation मतलब chemical equation. तो आप ये लिख सकते हो, when zinc granules are added to the test tube containing hydrochloric acid or sulfuric acid, it produces respective metal salt, zinc chloride and hydrogen gas. फिर reaction of acid with metals carbonate. तो same acid with metal carbonate gives salt plus carbon dioxide plus water. उसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन था, यहाँ पे सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट इट प्रोड्यूसेस रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एग्जांपल 2HCl plus Na2CO3 gives 2NaCl plus CO2 plus H2O. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. What is homologous series? State its characteristics. तो homologous series मतलब आपको पता ही है, देखो जैसे कि आपको पता है इथेन, फिर C2H6 अल्केन, C3H8, सो सबके अंदर कॉमन क्या है, CH2. आगे देखोगे तो CH2 बढ़ते जा रहा है, क्योंकि देखो इसमें से माइनस करो इसको तो CH2, इसको भी इसमें से माइनस करो CH2, तो सेम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है. तो CH2 अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल सेम जनरल फॉर्मुला विद द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड विच शोज मोर और लेस सिमिलर ट्रेंड्स इन देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. एग्जाम्पल The homologous series of straight chain alkanes can be represented by the general formula CnH2n+2. Thus, the first four members of alkane series are CH4, CH3 ethane, CH3 CH2, CH3 propane and butane. Characteristics of homologous series are: each member of series can be represented by general formula. All the members of series can be prepared by the same general methods.
फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस थ्रू आउट द सीरीज इन अ रेगुलर वे पैटर्न में. मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, जैसे कि अल्केन है तो सबकी सेम होगी, अल्किन की सबकी सेम, अल्काइन की सबकी सेम. इस तरह से हम लोग कंडक्ट करते हैं. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूरेटर. देखो वैसे देखा जाए तो सिर्फ यूरेटर को एक्सप्लेन करना वो भी चार मार्क्स के अंदर इट्स बिट डिफिकल्ट. ठीक है, देखो कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, नो डाउट भाई यूरेटर्स का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है. देयर आर टू डिफरेंट यूरेटर्स, दो यूरेटर्स होते हैं. यूरेटर का फंक्शन क्या होता है भाई, यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर तक लेके आना. ठीक है, तो दो होते हैं लेफ्ट में राइट में, फिर उसका थोड़ा सा शेप बता दो, उसका फंक्शन पता चले. तो ये तो सिर्फ दो तीन मार्क का होगा, बट अगर फोर मार्क्स में पूछा है तो आप क्या करो, एक्सक्रीशन सिस्टम ह्यूमन बींग का समझा दो प्रॉपर वे में. तो कैसे होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर एंड यूरेथ्रा. किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन. Urine produced in the kidney passes through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through urethra. So, ureter ka bhi naam aa gaya. The ureter is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. There are two ureters, one attached to each kidney. The upper half of the ureter is located in abdomen and the lower half is in the pelvic area. Ye aapka ureter ki property aa gayi. Purpose of making urine is to filter out waste product from the blood. Nitrogenous waste such as urea, uric acid are removed from the blood in kidney. ये खत्म हो गया. बाकी मेनली देखा जाए तो दो मार्क के अंदर पूछे तो भी चलता है, और ये आप डायग्राम बना देते हो तो ये फोर मार्क्स का हो जाता है. बाकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेके नहीं हो पाएगा, ये फोर मार्क का क्वेश्चन नहीं बनेगा. गिव डिफरेंस इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट यूजिंग वाटर मिनरल्स CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉपिक सिंस इट इज कैन नॉट सिंथेसाइज फूड ऑफ देयर ओन. Raw materials are required, raw materials are not required. Chlorophyll green pigment is present, chlorophyll green pigment is absent. Process of digestion is absent, process of digestion is required to convert complex molecule into simpler one. आप बोल सकते हो उसमें examples भी देख सकते हो वैसे plants, animals सब क्या. Explain excretion in plant. Plants में excretion, oxygen itself can be thought of as a waste product generated during photosynthesis. They can get rid of excess water by transpiration. For other waste plants, use the fact of that many of their tissue consists of dead cells. Many plant waste products are stored in cellular vacuoles. Waste product may be stored in leaves that fall off. आपने देखा होगा पत्ते जो होते हैं पीले पीले पड़ के फिर अपने आप गिर जाते हैं, so that is वो भी एक तरह. The other waste product are stored in resins, gum, specially in old xylems. ये एक तरह का हो गया excretion. Explain the refraction of light. Through a triangular glass prism आपके सामने है, उसको explain करना है तो उसका पूरा product, a ray of light entering in air to glass at the first surface AB. ठीक है, AB जो है ये surface है, वहाँ पे first line अधी, the light ray refraction has bent towards the normal. ये भाई rarer to denser आ रहा है तो towards the normal आ गई, ये यहाँ पे light straight गई. फिर उसके बाद at the second surface AC, the light ray has entered from the glass to air, hence it has bent away from the normal. क्या हो गया? Away from the normal, यानी यहाँ पे वैसे जाना चाहिए normal है, तो उससे away हो रहा है, दूर. ठीक है? देखो मैं पूरा explain नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो क्या करो, मैं सिर्फ आपको solution provide करने की कोशिश कर रहा हूँ. बाकी actually पूरा explain करने जाऊंगा तो पूरा ऐसे ही chapter खत्म हो जाएंगे, मतलब 3 घंटे की जगह मुझे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे चाहिएंगे. So just ये content आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे, और overview shortcut में overview mainly. तो यहाँ पे towards the normal की जगह away from the normal, और ये और ज्यादा away हो गया. ठीक है, यहाँ पे towards normal, यहाँ पे away from the normal we can say. So because of that there is a deviation in net deviation, यहाँ से original से यहाँ, तो that deviation is known as angle of deviation. Compare the angle of incidence and angle of refraction at each refracting surface of prism. The peculiar shape of the prism makes the emergence ray bend at the angle of direction of the incident ray. This angle is called angle of deviation. उसके बाद dispersion of white light prism में, the prism split the incident white light into band of colors. The splitting of light into its component color is called dispersion. Band of the colored components of a beam B is called spectrum. The various colors seen are violet, indigo, blue. भाई जैसे इस prism में जा रहा है तो हम लोग बता सकते हैं refraction. Why do we get this color? So different colors of light bend through different angles with respect to incident rays. The glass prism passes through prism. Red light bends the least, violet the most. Thus the ray of each color emerges along different path and thus become distinct.
व्हाट इज सोलेनोइड, डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड. सोलेनोइड क्या है? तो पहले तो सोलेनोइड का डायग्राम बना दो, ठीक है, दो डायग्राम बना दो. फिर अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड, देखो ये दिख रहा है कॉइल, ये पूरा कॉइल है सर्कुलेटेड टर्न्स, कॉपर वायर से इंसुलेटेड, कॉपर वायर से रैप किया हुआ क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनोइड. द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनोइड आर सिमिलर टू बार मैग्नेट. वन एंड ऑफ द सोलेनोइड बिहेव एज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर बिहेव एज द साउथ पोल. देखो ये दिख रहा है पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा लग रहा है कि बार मैग्नेट रखा हुआ है, तो सेम होता है. द फील्ड ऑफ लाइन्स इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स. द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड. A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil called electromagnet. मतलब इस coil के अंदर ये जैसे soft iron में रख देता हूँ तो वो electromagnet, मतलब जब तक current रहेगा तब तक वो as a magnet act करेगा. तो magnetic field को भी discuss करना है हमें, तो सारी की सारी field की details आप लिख सकते हो, वैसे चाहो तो mention कर सकते हो कि north pole से south pole जैसा होता है, north to south merge होता है, same to same bar magnet की तरह पैरेलल है, ये सारी चीजें वैसे मैंने लिख दी हुई है. यू कैन गो एंड यू कैन गो थ्रू दैट थिंग. डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट शोइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. तो पहले सर्किट बना दो भाई. हमने क्या किया, पहले एक सर्किट को बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया तो भाई हल्का सा डिफ्लेक्शन मिला कंपास के अंदर, वो गया थोड़ा सा नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. फिर बैटरी का टर्मिनल चेंज किया तो वो इस डायरेक्शन में आए. इसका मतलब कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे कोई ना कोई इफेक्ट तो होता है, ठीक है, तो वो भी हमने डिस्कस किया. टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर, टू और थ्री सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड प्लग की, कनेक्ट ऑल सेल्स देम इन सीरीज, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास नीडल, ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल व्हेन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर चेंज्ड. इट मींस दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो रिवर्स्ड. ठीक है, अगर करंट चेंज हुआ तो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होगा. सेकंड, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. भाई स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट जा रहा है. वी फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस. इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. इट इंडिकेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एट द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज. Now place the compass at the further point of the conducting wire, say at point Q. ठीक है, compass रखा. We see that the deflection in the needle decreases, thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. जैसे जैसे distance बढ़ता जाएगा तो magnetic field decrease होती जाएगी. It can be noticed that concentric circle representing the magnetic field around a current carrying conductor wire becomes larger and larger as we move away. जैसे जैसे दूर जाएंगे तो away होता जाएगा, तो उसकी वजह से शायद प्रॉपर वे में कंडक्शन ना हो, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाए. तो दिस इज द थिंग विच यू कैन इंक्लूड, दोनों ही पोर्शन आप इंक्लूड कर सकते हैं. सो दिस वॉज द पेपर नंबर 5 जो सबको रिक्वायरमेंट था. थैंक यू वेरी मच, और आपका प्यार बरसाते रहे भाई. हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बस ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो कि आपको नेक्स्ट, भाई इसके बाद गाला पेपर 6 चाहिए. मुझे पता है गाला पेपर 6 तो मैं देने ही वाला हूं, आपको पता है भाई 200 लाइक्स के बाद मैं दे दूंगा. बट गाला पेपर 6 के बाद में आप लोग के लिए क्या करूं? किसी ने बोला वन मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में कोशिश करूंगा. देखो भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता, कोशिश कर सकता हूं वन मार्क के क्वेश्चंस बनाऊं, क्योंकि मेरे पास बने हुए नहीं है, बट कोशिश करूंगा. तो मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं. टिल देन बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर, और अपना प्यार बरसाते रहे, लोगों को शेयर करते रहे. अगर आपने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर. टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर.